इट्स मी जहां जेब जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गुजरांवाला की कचहरी है और यहाँ पे गाड़ी के सिलसिले में लोग आते हैं गाड़ी नाम करवाने के लिए, और यहाँ पे साथ तहसील ऑफिस है, कचहरी है, लॉयर्स बैठते हैं सारे यहाँ पे। और आज मेरा यहाँ पे आने का इत्तेफाक हुआ था, मैंने अपनी गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवानी थी और कुछ और काम था, मुझे गाड़ी के टोकन शॉर्ट थे मेरे, तो मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे आया हूँ और ट्रैफिक स्टिल जैम है, ये देखें। और यहाँ पास में ही 2 कॉलेजेस हैं, पंजाब कॉलेज है, एक गर्ल्स कैंपस है, एक बॉयज़ कैंपस है, और यहाँ पे एक भी वार्डन वाला नहीं खड़ा। स्टार्ट में 2 वार्डन वाले खड़े हुए हैं और हर गुजरने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी तमाम ट्रैफिक वार्डन से अपील है कि इस, और मेरी तमाम वार्डन ऑफिसर से अपील है कि इस ट्रैफिक को ठीक किया जाए ताकि हर गुजरने वाला इंसान किसी परेशानी का बाइस ना बने। इसमें कुछ पीछे एम्बुलेंसेस भी खड़ी थी और कुछ लोग अपने बच्चों को लेने स्कूल से जा रहे हैं, ऑफिस से निकल रहे हैं, ये सारा ऑफिस एरिया है। तो हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि इस चीज़ पे गौर किया जाए ताकि हम अपने ट्रैफिक के रूल को बेहतर बना सकें। और ये सारी लाइन तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये सारी लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है, जहाँ पे हर एक को परेशानी का सामना, बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही है। यहाँ पे बहुत से लोगों का कहना है कि हम लोगों को रूल खुद अपनाने चाहिए, रूल बनाने चाहिए, लेकिन रूल बनाने के लिए हमारे रूल बनाने वाले भी ठीक होने चाहिए, ठीक है। जब हमें पता है कि हम लोग कोई वायलेशन करेंगे, हमें कोई इशू नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद वायलेशन करते हैं। अब ये देखिए, ये एक पुलिस की गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, इसको चाहिए कि तमाम लोग यहाँ पे परेशानी में फंसे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी इनका काम नहीं है, ये वार्डन का काम है, लेकिन वार्डन भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जैसा कि मैं आपको दिखा सकूँ अपने कैमरे में, ये एक वार्डन वाला खड़ा हुआ है वो सामने, ठीक है। अब ये एक वार्डन वाला इतनी 1.5-2 किलोमीटर की कतार में, ये एक वार्डन वाला क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो हुदारा वार्डन ऑफिसर से, इनकी टीम से गुजारिश है ताकि इस गुजरांवाला के जो तमाम इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक का इशू होता है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए।